Assalamualaikum students, welcome to this tutorial. आज मैं आप लोगों को students start करवा रही हूँ first year chemistry का first chapter basic concepts. इसका मैं आप लोगों को one one two topic start करवाऊँगी which is the molecules. आज मैं आप लोगों को molecules और उसके types के बारे में बताऊँगी. ठीक, तो start करते हैं हम लोग molecule की definition से. Students, molecule is the smallest particle of a matter that can exist independently. मतलब कोई भी मैटर अगर हम चेक करें को, अगर हम कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड सब्सटेंस को चेक करें तो वो सिर्फ तीन टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हो सकती है. जैसे कि मैं आपको बताऊंगा पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं. या तो वो पार्टिकल्स एटम्स होंगे, या तो वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर वो पार्टिकल्स फॉर्मूला यूनिट्स होंगे. तो इस तरह मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. लोगों को सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है होना चाहिए और मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसके अलावा अगर हम फोर्सेस चेक करें विच टाइप ऑफ फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल देन द कोवलेंट बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन. ठीक, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उसकी कंपोजिशन चेक करें, उसका अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चेक करें तो उसमें कौन से फोर्सेज होंगे, कोवलेंट फोर्सेज मतलब कोवलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स में लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल NaCl. अब NaCl इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज अ आयनिक कंपाउंड. ठीक, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयनिक फोर्सेस. इस सोडियम क्लोरीन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग. तो हमारी पहली कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल्स की में कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक, सो इस हिसाब से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के ये तीन फीचर्स हैं कि स्टेबल होना चाहिए, उस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और कोवलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए उसमें. ठीक, अब मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स स्टार्ट करवाऊंगी मॉलिक्यूल्स के टाइप्स. ठीक, मॉलिक्यूल के टाइप्स हम चार बेसिस पे करते हैं. सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स की टाइप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी. इसके अलावा हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम. On the basis of molecular weight, and on the basis of nature of molecule, natures. एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स. ठीक, मतलब मॉलिक्यूल में भी मोनोटॉमिक, मॉलिक्यूल में भी डायटॉमिक, मॉलिक्यूल में भी ट्राईटॉमिक है, मॉलिक्यूल में भी पॉलीएटॉमिक. सो वन बाय वन मैं आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. मॉलिक्यूल्स मीन मोनोटॉमिक. स्टूडेंट्स मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलके बनाओ, एक टाइप नहीं बल्कि एक एटम से मिलके बनाओ. फॉर एग्जांपल अगर हम नॉबल गैसेस की बात करें तो वो स्टेबल होती हैं. स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ नंबर ऑफ एटम से मिलके बनता है, ऐसी बात नहीं है. मॉलिक्यूल्स एक एटम का भी हो सकता है. अब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी हीलियम नियॉन. अगर मैं इनमें से नियॉन का स्ट्रक्चर देखूँ तो नियॉन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 20 है, एटॉमिक नंबर क्या है 10. ठीक, अगर हम इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करें, इसके पास कितने
मोस्ट 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ठीक हम लोगों ने पढ़ा कि सेकंड शेल जो है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल होता है अब ये स्टेबल है सो इसको ना ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना ही लेना पड़ेगा मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है एंड इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ठीक मतलब ये सिर्फ ऐसा एटम है जो कि अकेला रह सकता है और उसी को हम लोगों ने मॉलिक्यूल कह दिया ठीक सो इट इज अ टाइप ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ठीक मॉलिक्यूल ठीक इसी अलावा जितनी भी नॉर्मल गैसेज हैं वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे हीलियम नियॉन आर्गन ज़ीनॉन आगे से जितने भी नोबल गैसेस के टाइप इसके अलावा मॉलिक्यूल में भी डायटॉमिक स्टूडेंट्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल सी बात जो दो एटम से मिलकर बना फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इसके अलावा कोई भी मॉलिक्यूल आप देख रहे HCl मॉलिक्यूल ठीक तो ये सारे एक दो एटम से मिलके बने हुए हैं ठीक तो डेट इज डायटॉमिक मॉलिक्यूल ठीक इसके अलावा मॉलिक्यूल में भी ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलके बना हो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल आती है फेमस एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल डेट वुड ड्रिंक ये तीन एटम से मिलके बना हुआ तीन एटम से इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं ठीक वो तीन एटम से मिलके बनी है इसके अलावा HOCl ठीक है ये भी तीन एटम से मिलके इसके अलावा SO2 NO2 मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो तीन एटम से मिलके बने हैं इसके अलावा अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल तीन एटम से मिलके बना ठीक तो वो क्या है ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल इसके अलावा स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल में भी पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें तीन से ज्यादा एटम्स हो फॉर एग्जांपल आप देख लें P4 फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल चार फास्फोरस के एटम से मिलकर बना होता है इसके अलावा सल्फर का एक मॉलिक्यूल आठ सल्फर के एटम से मिलकर बना होता है इसके अलावा आप ग्लूकोज देख लें C6H12O6 ये क्या है ये तीन से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है इसके अलावा आप देख लें सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ किंग ऑफ केमिकल वो भी तीन से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है इसके अलावा आप लोग फास्फोरस एसिड देख लें तो ये सारे जो तीन से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं उसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ठीक सो स्टूडेंट्स एटॉमिसिटी की हम बात कर ली अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ एटम स्टूडेंट्स काइंड ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो काइंड ऑफ एटम्स के बेस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है टू कैटेगरी पे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल में भी होमोटॉमिक एंड मॉलिक्यूल में भी हेटरोटॉमिक ठीक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल Cl2 N3 P4 S8 ठीक इसके अलावा कोई भी देख ले मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है वो किस कैटेगरी में आएगा होमो मीन सेम ठीक सो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें हेटरो मीन डिफरेंट ठीक तो हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने होते फॉर एग्जांपल HCl H2SO4 ठीक इसके अलावा अगर आप बात करें H2O कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स में आपको एक और बात बताना कैटेगरी में आएंगे हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स में आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि समटाइम्स स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि
मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है। सो एक बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसे हम सिर्फ मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन जो हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल है दैट ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाउंड। मतलब हर कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक, सो इस हिसाब से हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम जब बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से हमने इसे कैसे डिवाइड किया। स्टूडेंट्स, अगर हम मॉलिक्यूल वेट के हिसाब से देखें, मॉलिक्यूलर वेट मतलब साइज ऑफ एटम के हिसाब से, मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें, तो देखिए हम लोगों ने इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। मॉलिक्यूल में भी माइक्रो मॉलिक्यूल ठीक एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, माइक्रो मॉलिक्यूल के माइक्रो के नाम से ही जाहिर, माइक्रो मीन वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, इसके नाम से जाहिर है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है उसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ठीक, अब ग्लूकोज जो है वो स्मॉल सा एक मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं ना तो क्या बन जाता है, स्टार्च। मतलब स्टार्च जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बनता है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर आप बात करें अमीनो एसिड, ठीक, अमीनो एसिड भी किस कैटेगरी में आएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, लेकिन बहुत सारे अगर अमीनो एसिड मिले आपस में तो क्या बनती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस कैटेगरी में आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, प्रोटीन की अगर आप बात करें तो सबसे फेमस प्रोटीन डेट इज हीमोग्लोबिन डेट इज प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। ठीक, मतलब हमारे रेड ब्लड सेल जो वाइगर केव शेप में होते हैं उसका 95% ब्लड प्लाज्मा किस पर मुश्तमिल होता है, 95% सेल प्लाज्मा जो है वो किस पर मुश्तमिल होता है, हीमोग्लोबिन। स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन जो है उसे हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हीम ग्रुप पाया जाता है और हीम ग्रुप मतलब आयरन की वजह से इसका कलर रेड है। आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट 10,000 एटम से मिलके बना होता है, और ये 10,000 एटम्स वाला एक मॉलिक्यूल 68,000 टाइम्स हैवियर होता है देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल को भी हम लोगों ने इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, टू कैटेगरी पे। वन इज ऑर्गेनिक, ठीक, अदर वन इज इनऑर्गेनिक। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मीन नेचुरल, और इनऑर्गेनिक मीन जो नेचुरल नहीं होते। ठीक, मतलब ये कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जो कि नेचुरली तौर पे इस कायनात में पाए जाते हैं, जो कि लिविंग बॉडी को बनाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी, प्लांट बॉडी, बैक्टीरिया की जो जितनी बॉडी, सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास आ जाता है ये प्रोटीन, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा आप देख सकते हैं लिपिड्स, ठीक, डीएनए, आरएनए। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन, ठीक, या उनके डेरिवेटिव से मिलके बने होते हैं। मतलब दैट मॉलिक्यूल दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी इन दोनों के साथ, कार्बोहाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, इन दोनों को निकाल के बाकी जो 116 एलिमेंट है वो तमाम एटम्स मिल के क्या बनाते हैं, एलिमेंट मिल के क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल
H2O, it is a type of inorganic molecule. Carbon dioxide, inorganic molecule. Sulfuric acid, क्या है ये? Inorganic molecule. इसके अलावा जितने भी acid, जितने भी base, वो किस category में आते हैं?